हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मसलों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। हरियाणा की आवाज में आज हम बात करेंगे अमेरिका ईरान विवाद का चावल उद्योग पर पड़ रहे असर की। इस असर पर आप सभी की राय जानना हमारे लिए बेहद अहम है, तो फोन करने का सिलसिला शुरू कर दीजिए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, ये रहे नंबर्स, फोन उठाइए, हमें मिलाइए। और चावल उद्योग पर छाए काले बादल को आप किस तरह से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कुछ समझ में आ भी रहा है अमेरिका ईरान विवाद या नहीं, उसके लिए भी फोन कीजिए। चावल निर्यातकों का माल बंदरगाहों पर फंस गया है इस विवाद के चलते। 50,000 टन से ज्यादा चावल बंदरगाहों पर फंसा है। मिलर्स ने सरकार से अब मदद की गुहार लगाई है कि आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम यहां से चावल को हटा सके। क्या किसानों पर पड़ेगी ईरान यूएस की तनाव की मार? बंदरगाह पर फंसे हजारों टन चावल का जिम्मेदार आखिर कौन? मिलर्स की कब सुनेगी सरकार का? इस सवाल उठ खड़े होते हैं जिनका जवाब हम तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। आपको इसका क्या जवाब समझ में आता है, जरूर फोन कीजिए, हमें बताइए। किसानों को हुए नुकसान की आखिर कौन करेगा भरपाई? ये नुकसान जो किसानों को हो रहा है या आने वाले वक्त में ये नुकसान और ज्यादा बढ़ने की जो संभावनाएं दिख रही हैं, इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह लोग कौन हैं? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। अब खबर सुनिए जरा संक्षेप में। अमेरिका ईरान विवाद में भारतीय बासमती चावल उद्योग मंदी की चपेट में आ गया है। दोनों देशों के विवाद के बीच 40,000 करोड़ का चावल उद्योग खतरे में है। विवाद के चलते हरियाणा समेत देश भर के निर्यातकों का 50,000 टन से ज्यादा बासमती चावल बंदरगाहों में फंसा हुआ है। 50,000 टन से ज्यादा बासमती चावल बंदरगाहों में फंसा हुआ है, वहां से वो नहीं निकल पा रहा। अब कैसे निकाला जाए, यही पेच है और इसी पेच का हम हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए और अपनी राय, अपनी बात बेबाकी के साथ हम तक पहुंचाइए। बताइए क्या लगता है आपको, क्या हल हो सकता है इसका? अमेरिका ईरान विवाद का चावल उद्योग पर असर, हालांकि मैं पढ़ के सुना रही हूं आपको, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं ताकि आप इस पर अच्छी तरह से अपनी बात को रख सके। चावल उद्योग पर काले बादल छा गए हैं, चावल निर्यातकों का माल बंदरगाहों पर फंस गया। अब मिलर्स ने जो है सरकार से मदद की गुहार लगाई है और मदद मांगी है कि हमारे चावल को यहां से निकालने में आप हमारी हेल्प करें। मिलर्स ने सरकार से अब मदद की गुहार लगाई है, एक उम्मीद की नजर से देखा है सरकार अब क्या कहती है, क्या करती है, देखने लायक होगा। लेकिन सवाल ये कि क्या किसानों पर अब ईरान यूएस विवाद की मार पड़ने वाली है क्या? बंदरगाह पर फंसे हजारों टन चावल का जिम्मेदार कौन है? मिलर्स की कब सुनेगी सरकार? अब मान लीजिए, देखिए, ये सीजन जो है वो चावलों का हो गया। पहले राइस मिलर्स को लेकर आरोप लगे, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया, फिर दूसरी बार फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया। अब जब पूरा गड़बड़ घोटाला सरकार ने पकड़ लिया तो अब विपक्ष ये कहता हुआ दिखा कि आप न्यायिक जांच कराइए। इधर चावल की दूसरी कहानी सामने आ गई, चावल बंदरगाह में फंस गया है। हरियाणा की आवाज में जुड़िए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए, प्रतिक्रिया आप सबों की बेहद अहम है। अमेरिका ईरान विवाद का चावल उद्योग पर असर, चावल उद्योग पर छाए काले बादल, चावल निर्यातकों का माल बंदरगाहों पर फंसा, 50,000 टन से ज्यादा चावल बंदरगाहों पर इस वक्त फंसा हुआ है। मिलर्स ने सरकार से अब मदद की गुहार लगाई है कि हमारे चावल को यहां से निकलवाने में आप हमारी मदद कीजिए। एक बार फिर मैं समझा देती हूं आपको संक्षेप में इस खबर को, आप किस तरह से समझ पाएं और उस पर अपनी बात रखें। अमेरिका ईरान विवाद में भारतीय बासमती चावल उद्योग मंदी की चपेट में आ गया। आप देखिए विवाद किसके बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में, और इसमें नुकसान किसका हो रहा है? भारत का, भारतीय किसानों का, खासकर उनका जो धान की पैदावार करते हैं। भारतीय बासमती चावल उद्योग मंदी में चपेट में आ गया है। गुरविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब बोलिए।
गुरविंदर जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, बोलिए सर। जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आपकी आवाज मैं सुन पा रही हूँ, अपनी बात रखें। हाँ जी, जो अभी मैं घोटाले की बात चल रही है, जो ईरान और अमेरिका का चल रहा है, उस पर भारत का वो चावल पर असर डालने वाला है। चलिए, हेलो, ठीक है सर। आप शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप ठीक से बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ, आपकी आवाज मिल रही है सर, बोलिए। चलिए, राम जुड़ गए हैं हमारे साथ। राम जी नमस्कार। अनामिका जी नमस्कार। नमस्कार सर, बोले। मैं बताना चाहूंगा, जितने भी नेता हैं भ्रष्ट, ये उनकी अपनी कुर्सी के लिए नफरत पैदा करते हैं, उसका किसान ही नहीं आम जनता को उसका नतीजा भुगतना पड़ता है, आम जनता पे असर पड़ता है। ये हर आम नागरिक को सोचना होगा, नफरत ना पैदा करके स्वभाव का वातावरण बनाए। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया राम की तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए। किसानों की जो परेशानियां हैं उस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले काफी दिनों से राइस मिलर्स पर शनि भारी है, उन पर जो है वो नुकसान का, परेशानी की जो तलवार लटक रही है वो साफ दिख रहा है। अमेरिका ईरान विवाद में भारतीय बासमती चावल उद्योग मंदी की चपेट में आ गया है। दोनों देश विवाद के बीच 40,000 करोड़ का चावल उद्योग खतरे में है। विवाद के चलते हरियाणा समेत देश भर के निर्यातकों का 50,000 टन से ज्यादा बासमती चावल बंदरगाहों में फंसा हुआ है। अमेरिका ईरान विवाद का चावल उद्योग पर असर, चावल उद्योग पर छाए काले बादल, चावल निर्यातकों का माल बंदरगाहों में फंसा है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिट्ठू सिंह ने फोन किया है, टोहाना से जुड़े हैं। सिंह साहब नमस्कार, बोलिए। मैडम नमस्कार जी। मैडम ये किसानों को तो पहले ही बुरी हालत तो थी किसानों की, तो ये सारा धान जो मंदे में खरीदा गया और ये अब व्यापारियों पर मार पड़ने वाली है, ये सरकारों की वजह है जी। ये तो वो बात है चोरी का माल मोरी में, ये किसान तो लूट लिए और अब व्यापारी लूटे जाएंगे, ये तो बादल मंडराते ही रहेंगे, ये तो सरकारें सारे सरकारों का काम है। मैडम ये कुछ नहीं, किसानों के पास कुछ नहीं आएगा, किसान ने अपना माल सब दे दिया, किसानों से जा लिया, किसानों पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये रही बात व्यापारी की, व्यापारी को देखो सरकार क्या देती है क्या ना देती है, भरपाई व्यापारियों को तो करे देती है सरकार तकरीबन, ये किसानों की भरपाई करने वाला कोई नहीं है। शुक्रिया जी। चलो, बहुत शुक्रिया आपका। मिठू सिंह आगे भी जरूर फोन करें और इनकी तरह आप भी फोन कीजिए। मिलर्स की कब सुनेगी सरकार, क्योंकि मिलर्स ने अब सरकार से गुहार लगाई है, मदद की गुहार। उम्मीद है सरकार से कि बंदरगाहों में जो उनका चावल फंसा हुआ है, जो कि हजारों टन में है, 50,000 टन से कहीं ज्यादा चावल बंदरगाहों पर फंसा हुआ है, उम्मीद है इन राइस मिलर्स को कि सरकार जरूर मदद करेगी और वहां से चावल बाहर निकलवाने में मदद करेगी। राम सचदेवा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुरुक्षेत्र से फोन किया है इन्होंने। राम जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार, बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो बंदरगाहों पे या वहाँ इराक के उसमें किसान क्यों परेशान हो, परेशानी तो किसानों वास्ते होती है, तो उनके जो हमारे लिए मेहनत हमारे और इन मंत्रियों को पेट वो करते, और 70% लोग हमारे किसान ही है जिनकी वोटों से ये सरकार बनी है, ये सरकार क्यों नहीं कोई कदम उठाती, कोई सख्त, जब तक कोई सख्त कदम नहीं उठा क्यों ये निर्यात कर रही है, क्यों ये वो कर रहे हैं, जब अपने ही देश में अगर मतलब खाने पीने की मुश्किल हो रही है तो बाहर भेजने को कुछ निर्यात करना तो जरूरी नहीं है। अगर किसान ही अगर मर गया, अगर किसान ही देखो रोज आत्महत्या कर रहे हैं, जो वो कर आज कर जो हमारे को हम और इन मंत्रियों को पेट भरते हैं, आज वही सबसे ज्यादा ये सरकार इसमें मतलब क्यों नहीं कोई कदम उठाती, क्यों नहीं वो करती, अगर ये कुछ
कहना और करने में बहुत फर्क है। तो जब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाएंगे ये सरकार को मतलब वहाँ मतलब बंदरगाहों पे वो नहीं करेंगे तो वो ये सरकार किस यही इन्होंने ही ये सरकार बनाई है, इन्होंने ही है, और यही किसान सबसे ज्यादा परेशान है और अपनी मेहनत से इनका पेट बचर मंत्रियों का। आज ये मंत्री लोग ही अपनी कमाई उसके लिए ये वहाँ पर चावल बाहर भेज रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी, जय हिंद सर। आगे भी जरूर फोन करें, राम सचदेव रोजाना हमारे साथ जुड़ते हैं, इनकी तरह आप भी जरूर फोन कीजिए। हरियाणा की आवाज ये मंच आप सबों के लिए, आप सबको सुनने के लिए हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अमेरिका ईरान विवाद के चलते चावल उद्योग पर जो असर पड़ रहा है उस पर हम हरियाणा की आवाज में लगातार बात कर रहे थे, एक बार फिर लौट रहे हैं और इसी विषय पर आप सबों के फोन कॉल्स का हमें इंतजार है। बहुत कम वक्त बचा है हमारे पास, जरूर फोन कीजिए, हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। अमेरिका ईरान विवाद का चावल उद्योग पर असर, चावल उद्योग पर छाए काले बादल, चावल निर्यातकों का माल बंदरगाहों पर फंसा, 50,000 टन से ज्यादा चावल बंदरगाहों पर फंसा, मिलर्स ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। अब कई सवाल उठ खड़े होते हैं जिनका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। क्या किसानों पर पड़ेगी ईरान यूएस तनाव की मार? बंदरगाहों पर फंसे हजारों टन चावल का जिम्मेदार कौन है? मिलर्स की आखिर कब सुनेगी सरकार? चूंकि सरकार से मदद की गुहार लगाई है मिलर्स ने, किसानों को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ये भी बड़ा सवाल है। चूंकि ये मिलर्स तक पहुंच चुका है तो क्या किसानों को इसका नुकसान भुगतना होगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। चावल को लेकर इन दिनों बेहद सुर्खियां बटोर रहा है हरियाणा और बेहद ज्यादा परेशान दिख रहे हैं राइस मिलर्स, जिन्होंने इस मामले में बंदरगाहों पे जो चावल हजारों टन में फंसा हुआ है, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 50,000 टन से ज्यादा चावल बंदरगाहों पे फंसा है, उसे वहां से कैसे निकाला जाए इसके लिए हेल्प मांगी है राइस मिलर्स ने, मदद मांगी है सरकार से। चावल उद्योग पर जो काले बादल छाए हैं वो कैसे छटेंगे भी कि नहीं, उन्हें कैसे हटाया जाए, उनका रुख मोड़ा जाए, ये कोशिश है। चूंकि यहां पर थोड़ा बहुत नहीं, हजारों टन चावल बंदरगाहों पर इस वक्त फंसा है। अमेरिका ईरान विवाद का यह असर है जिसका नुकसान यहां के राइस मिलर्स को भुगतना पड़ रहा है। आगे ये नुकसान और कितना होगा ये देखने लायक होगा, लेकिन इसे क्या रोका जा सकता है? क्या इसे किसी और दिशा में घुमाकर नुकसान होने से बचाया जा सकता है? कुछ ऐसा किया जा सकता है क्या कि भरपाई करने की नौबत ही ना आए? इस पर भी हम बात कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपनी राय हम तक पहुंचाए। हरियाणा की आवाज के साथ जुड़िए और बात रखिए अपनी, चूंकि ये मंच जो है वो आप सबों के लिए है, आप यहाँ पर खुलकर बोल सकते हैं। अमेरिका ईरान विवाद में भारतीय बासमती चावल उद्योग मंदी की चपेट में आ गया है। दोनों देशों के विवाद के बीच 40,000 करोड़ का चावल उद्योग खतरे में है। विवाद के चलते हरियाणा समेत देश भर के निर्यातकों का 50,000 टन से ज्यादा बासमती चावल बंदरगाहों में फंसा हुआ है। अमेरिका ईरान विवाद का चावल उद्योग पर असर, चावल उद्योग पर छाए काले बादल, चावल निर्यातकों का माल बंदरगाहों पर फंसा, 50,000 टन से ज्यादा चावल बंदरगाहों पर फंसा, मिलर्स ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। अब कई सवाल जो है जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं, एक बार फिर मैं दोहरा दूंगी, हालांकि हम ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्या किसानों पर पड़ेगी ईरान यूएस तनाव की मार? बंदरगाहों पर फंसे हजारों टन चावल का जिम्मेदार कौन? मिलर्स की कब सुनेगी सरकार? किसानों को हुए नुकसान की आखिर कौन करेगा भरपाई? फिलहाल यही रुकेंगे, नमस्कार।